मेरा नाम कुशाल कुमार ये मोर्ची सुजुकी इग्निस का बिल्कुल बेस मॉडल जो कि सिग्मा वेरिएंट रहने वाला है इस वीडियो में आज हम इसी कार के बारे में बात करने वाले हैं काफी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाला है इस कार का बेस मॉडल और जो सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग वेरिएंट है वो इसका बेस ही है रीजन है इसका प्राइस फाइव लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड रूपीज का प्राइस पर आपको इसका बेस वेरिएंट मिल जाता है फिर इतने बढ़िया डायमेंशन की आपको कार मिल जाएगी लुक देखें आप इसका देखने में काफी बढ़िया लगता है फ्रंट से देखने में तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है इस कार का बिल्कुल बेस वेरिएंट है फ्रंट में आपको पूरा क्रोम का यूज दिखने वाला है जिस वजह से फ्रंट प्रोफाइल देखने में काफी बढ़िया लगती है उस साइड से भी देखने में नहीं लगने वाला और जो स्टील व्हील्स रहने वाले उसमें आपको व्हील कवर्स नहीं लगते हैं इसमें लगे हुए हैं जो कि इसका एस सीरीज का पार्ट है बैक में भी आपको इसकी प्लेट मिल जाएगी इसमें आप कुछ मोडिफिकेशन करा के अपने यूज के हिसाब से बढ़िया बना सकते हैं इससे एक अपर वेरेंट आता है जो की सेकंड बी एस है डेल्टा इन दोनों वेरेंट में प्राइस डिफरेंस फाइव का रहने वाला है और फिर क्या क्या फीचर्स में भी डिफरेंस रहेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन सा वेरेंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है तो चलिए फिर चार करता हूँ मैं इस कार की फ्रंट प्रोफाइल से फ्रेंट में आपको हेलोजन हेडलैम्प मिल जाएंगे और इंडिकेटर में भी दिया जाएगा आपको बल्ब और ये रही ग्रिल्स कार की जो क्रोम में रहने वाली है बीच में हो गया सुजुकी का लोगो टो तो वैंड में भी आपको सेम ही ग्रिल दी जाएगी इसी तरह की और जो फोर लैम्प लगे हुए हैं वो एसेसरीज का पार्ट है और नीचे साइड आपको स्किट प्लेट मिल जाएगी फिर ओवरऑल कुछ तरह की लगती है फ्रंट प्रोफाइल फ्रेंट से देखने में तो कोई भी नहीं कहने वाला है इस कार का बिल्कुल बेस वेरियंट है और ये साइड प्रोफाइल इस कार की फिफ्टीन इंच की आपको उसमें स्टील व्हील्स मिल जाएंगे व्हील्स का भी साइज ज्यादा रहने वाला अगर उसको कंपेयर करते हैं के बीस रेंट से तो वन हंड्रेड से प्रोफाइल रहने वाली है व्हील कवर्स आपको बीस रेंट में नहीं दिए जाएंगे व्हील कवर सीरीज का पार्ट है बस कभी ये रहने वाली है इसके बीस सैनिट में आपको इंडिकेटर्स के फेंडर पे मिल जाएगा और ओ आर बी दिया जाएगा आपको उसमें बॉडी कलर का ए पिलर भी बॉडी कलर का रहने वाला है ऊपर की साइड को इस तरह की रूफ रहेगी डोर हैंडल भी बॉडी कलर का रहने वाला है बेस एस होने के बाद भी ऐसे आप देखते कितना बढ़िया रहने वाला है और तो फ्यूल फ्यूलिट मिल जाएगा आपको इसके को ड्राइवर साइड फिर ये बैक और साइड प्रोफाइल तो की ऊपर की साइड आपको एंटेना मिल जाएगा इंडिकेटर स्पॉइलर आपको यहाँ पर नहीं दिया जाता है ऊपर की साइड मिल जाएगा को की आपको हेलोजिंग बल्ब दिया जाएगा नीचे साइड हो गए पार्किंग सेंसर चार पार्किंग सेंसर रहने वाले हैं रिफ्लेक्टर्स तो चलिए फिर मैं आपको इस कार का बूट दिखाता हूँ फिर कितना स्पेस मिल जाएगा आपको इस कार के बूट में 260 लीटर का रहने वाला है इस कार में बूट स्पेस तो ये तो बात रही इस कार के के बारे में जैसे देखा से देखने में तो बढ़िया लगती है कार फ्रंट में आपको क्रोम गेल मिल जाएगी सिल्वर स्क्रेट प्लेट हो गई डोर हैंडल भी बॉडी कलर के हो गए गएम भी, भी आपको बॉडी कलर में दिया जाएगा और ये सब चीजें आपको फाइव लैस फिफ्टी फाइव थाउजेंड रुपी की मिल जाती है अगर आपको ऑन रोड प्राइस जानना है आपकी सिटी में क्या इस कार का तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपकी सिटी का नाम मैं आपको ओन रोड प्राइस बता दूंगा अगर आप अपनी कार में बेसिक फीचर चाहते हैं अगर आपको व्हील कवर चाहिए इंडिकेटर वो पर चाहिए और रिमोट सेंटर लॉकिंग जैसे फीचर्स तो आप इसके डेल्टा वेरिएंट के साथ जा सकते हैं क्योंकि ये फीचर्स आपको डेल्टा वेरिएंट में दिए जाएंगे इसके सीमा में आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती है बेसिक सी की दी जाएगी ट्वेल्व हंड्रेड सीसी का रहने वाला इस कार में इंजन जो की प्रोड्यूस करता है एटी वन बी एच पी पावर और वन हंड्रेड थर्टीन एन एम का टोर्क तो चलिए मैं आपको कार का इंटीरियर दिखाता दूँ फिर क्या क्या ऑफर करा जाएगा आपको इस कार के इंटीरियर में एरा ड्राइवर साइड डोर डोप न गया ब्लैक कलर का फ्रंट टू के पावर विंडो कंट्रोल दिए जाएंगे रेयर में पावर विंडो नहीं दी गई है ये और डोर बैकडोर डॉप ब्लैक कलर का पावर विंडो नहीं दी जाएगी आपको मैनुअली करनी पड़ेगी स्पेस इसमें नहीं है और स्पीकर की होगी ग्रिल तो ये इंटीरियर इस कार का पूरा ब्लैक कलर में रहने वाला और बेसिक सा इंटीरियर है और ये रहा स्टेयरिंग व्हील यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश मिल जाती है सारे सेयरबैग की बेसिक वो बेसिक सा रहने वाला है और मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट कलस्टर दिखाया था बार ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस कार का स्पीडोमीटर मिल जाता है आपको बीच में यहां पर आपको एम मिल जाती है कुछ अलैक्ट्राइट मिल जाएंगी फ्यूल दिखता रहेगा आपको इसमें यहां पर आपको एनफोटेमेंट सिस्टम की हाउसिंग मिल जाएगी एनफोटेमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा इसके बेस मॉडल में यहाँ पर आपको एसी वैन दिए जाएंगे दो यहाँ पर और एक एसी इवेंट वेंट आपको यहाँ पर दिया जाएगा हेडलाइट और इंडिकेटर के लिए यहाँ पर और बाइपर के लिए यहाँ पर हजार का बटन मैनुअल एसी मिल जाती है आपको यहाँ पर ट्वेल्व बोर्ड का पावर शोकेट नीचे के साथ थोड़ा सा स्पेस दो का फोल्डर फाइव गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहने वाली ये कार ये गेयरनोविस्ट इसका यहाँ पर आपको ग्रे फिनिश मिल जाती है यहाँ पर आपको ग्रे कलर में मिल जाएगा जो कलर की आपकी कार रहेगी उसी कलर में आपको उसके इंटीरियर में भी फिनिश देखने के लिए मिल जाएगी जैसा यहां पर हो गया ग्रैब हैंडल पे हो गया एस की भी आपको मिलने वाली है को ड्राइवर साइड एसी वेंट और मैं आपको उसका ग्लब बॉक्स करता हूँ इतना स्पेस मिल जाता है आपको उस कार बॉक्स में सनराइजर बैनेटी मेर आपको उसमें नहीं मिलता है ये मैनुअली डे नाइट एडजस्टमेंट भी नहीं मिलेगा आपको उसमें हेलोजन में कैविल को ड्राइवर साइड सनराइजर में भी आपको भी नहीं मिलेगा ग्रैब हैंडल और एडिक को ड्राइवर साइड सीट इस कार की एडजस्टेबल हेड्रेस मिल जाते हैं आपको जो सीट कवर्स लगे हुए हैं ये इसकी एसेसरीज का पार्ट है डोर ओबना ब्लैक कलर ग्रैब हैंडल बोर्ड के लिए स्पेस डॉक्यूमेंटेशन के स्पेस स्पीकर की हाउसिंग तो चलिए फिर कुछ तरह का था इसका फ्रंट सीट पर बैठकर जो भी कुछ आपको मिल जाता है वो तो मैंने आपको दिखा दिया है मैं आपको इस कार की रेड सीट पर चलकर फिर कितना स्पेस मिल जाता जाता है है आपको आपको वहां पर आप देख सकते इतना लेग रूम रूम मिल मिल और हेड भी बढ़िया मिल जाएगा तो बैक सीट पर कुछ इस तरह का लगता है डैश बोर्ड इस कार का कैबिन लैब आपको सिर्फ वहां पर ही मिल जाता है आपको यहाँ पर कोई भी कैबिन लैब देखने के नहीं मिलेगा एडजस्टेबल हेडरेस फ्रंट में हो गए पर लेकिन बैक में आपको एडजस्टेबल हेड रेस नहीं मिलते हैं फिक्स हेड रेस मिल जाएंगे आपको वाटर बोर्ड के लिए स्पेस और ये रहा बैकडोर इसका पावर विंडो नहीं मिलती है आपको मैनुअली करना पड़ेगा स्पीकर की हाउसिंग मिलेगी डोर ओपनर ब्लैक कलर और ये रहा ग्रेफ हैंडल

सेवन इंच का ट्रीन एनफोटेमेंट सिस्टम चाहिए या फिर आपको एलोई एलोवीज चाहिए क्योंकि तो आप कोई डेल्टा वेरिएंट में बेसिक फीचर दिए जाएंगे जिसके लिए आपको सिक्सटी फाइव थाउजेंड रुपीज पे करने पड़ेंगे अगर अपनी कार में मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं आपके लिए बेस्ट यही रहेगा की आप इसका सिग्मा वेरियंट लीजिए फिर आपको काफी वैल्यू फॉर मनी वेरियंट पड़ने वाला है इस कार का तो चलिए फिर आपको इस कार के और ब्रांड की वीडियो देखनी है फिर आप किसी और कार का बो देखना तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं फ्यूचर में ऐसी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद